बहुत प्यार था बहुत एक आंखे का तारा था मेरा भाई छोटा हमारा भाई बहुत अच्छा था हमारा भाई हमारे दिल का टुकड़ा था हमें भाई नहीं चाहिए लेकिन उसको सजा चाहिए उसको फांसी चाहिए दीपक सिंह को भैया हमारा भैया बहुत मारे खबा बनाए जरा ना लाग भैया खबा बनाए जरा ना लाग ऐसा छोड़ भागे हमकु न्याय चाहिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और हम छोटे से अब कोई नहीं है उनका फांसी हो जाए उनके घर भर गिर जाए दीपक सिंह नहीं कार्रवाई ना होने का कितना दुख है हमें अपार दुख है उसको मुलजिम को फांसी हो जाना चाहिए फांसी कराइए करा उनका मकान बुलडोजर से गिरवाइए तभी मेरा होगा नहीं हम हमारी एक दो तो लड़कियां हैं मैं हूँ मेरे पिताजी हैं पचासी साल के मैं आत्मदाह कर लूंगा मेरे कोई सहारा नहीं रह गया भैया 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 बाईस तारीख दो हजार चौबीस पूरे देश को जिसका इंतजार था हर तरफ जश्न का माहौल था और उसके ठीक चार दिन बाद जहां पर जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी यानी संविधान दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी ऐसे में एक मासूम बच्चे की महज एक दिन पहले हत्या कर कहीं ना कहीं संविधान की भी हत्या की गई और ये हत्या उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 130 किलोमीटर के इर्द गिर्द की गई अब इसमें हत्यारा कौन है कैसे हत्या हुई एक मासूम को कैसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल है जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा जो अपने परिवार अपने ख़ानदान का कहीं ना कहीं एक लौता वारिस था हमारे साथ उनके परिवार जन के तमाम लोग मौजूद हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं माता पिता बहनें, बुआ नानी नाना तमाम लोग बैठे हैं और सबका रो रो कर बुरा हाल है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है वो अभी तक अंकित को न्याय न मिलने पर है जी हाँ सवाल गोंडा पुलिस पर भी है और अब तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिला है पिताजी से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हत्या की खबर आपको मिलती है उसके बाद अब तक न्याय आपको नहीं मिल पाया है तो क्या देख रहे हैं कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा या गोंडा पुलिस से कितनी आपको उम्मीदें हैं कौन उम्मीद जब कोनो देखते नहीं तो कौन उम्मीदें अगर तो साइकिल साइकिल चोर हो तो का का लाके सड़क पर खड़ा करते कि हमें का कह देने एक निर्मन हत्या मतलब ऐसा यहाँ है और नाम जब हमने डॉक्टर दीपक को मैं बता रहा हूँ सवा छः बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक मुझसे बात कर रहा है कि यहाँ नहीं वहाँ मैं उसको खोज रहा हूँ उसके बाद में उन्हें मुझसे डायरेक्ट बता के जाकर के अपनी जी पे तुम्हारी लाश पड़ी है तो कैसे बगैर उनकी जान जानकारी से हुई है ये जानकारी आपको डॉक्टर दीपक ने दीपक ने दिया दीपक ने बताया हमको जब वहाँ मैंने गया तो अपने बच्चे की लाश हमने देखा वहाँ कितने दिनों से अंकित काम कर रहा था नारायण हॉस्पिटल में और कैसा कुछ उस दरमियान उसका रहा जीवन आपके साथ कुछ शिकायतें रही रहीं शिकायतें रही। नहीं थी मैं अगले हफ्ते में मतलब गया था तो वहाँ उन्होंने कहा कि अंकित मैं खाना वाना मैं लाता हूँ अंकल वो चाचा ये नहीं खाते हैं तो हमने कहा भाई वो घर से अपने लाते हैं उनका इच्छा नहीं कहता नहीं खाते हैं किसी का वो अपने घर से लाते हैं और कहे हमारे कहने पे कुछ तो हम कहा ठीक है नहीं करते तो उनका इच्छा जो कहेगा वो करेंगे आपके आप ड्यूटी करते हैं वो भी ड्यूटी करते हैं मैं ये नहीं जानता था कि मेरे बच्चे को मार डालेंगे कितनी कितनी उम्र थी अंकित तेईस साल तेईस साल तेईस साल की और तेईस साल की उम्र में जिम्मेदार बच्चा था आपके घर का ज़िम्मेदार नहीं था मैं उसी के सहारे में चल रहा था मैं 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 उसी के सहारे चल रहा था मेरा बच्चा जो मैं पढ़ा लिखा करके उसको किया था मेरा बच्चा उसी के सहारे उसको पड़ताड़ित करते थे कि तुम आइडियो अपने देखा कि नहीं देखा आइडियो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा मेरे ब, मेरी बात जो हो रही मेरे बच्चे से बात हो रही दुनिया देख रही है कि मैंने अपने बेटे से मैं क्या कह रहा हूँ कितनी बच्चियाँ हैं आपके कितने बच्चे हैं चार बच्चियां हैं एक एक ही एक लौता मेरा बच्चा था एक लौता जी कहीं कार्रवाई न होने का कितना दुख है दुख है उसको मुजिम को फांसी हो जाना चाहिए फांसी कराइए करा उनका मकान बुलडोजर से गिरवाइए तभी मेरा होगा नहीं हम हमारी एक दो लड़कियां हैं मैं हूं मेरे पिताजी हैं पचासी साल के मैं आत्मदाह कर लूंगा मेरे कोई सहारा नहीं रह गया आप किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं दीपक डॉक्टर डॉक्टर दीपक जी खाली कोई और भी है उसमें नाम उसमें है लेकिन वो बताएंगे वही बताएंगे हाँ, वही बताएंगे, हाँ, बताएंगे माता जी से भी बात कर लेते हैं दीपक के खिलाफ हमार जान जायी वही के खाती नारायण ना, माँ जान जाए, हाँ। अच्छा कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ नही नहीं कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप लोग क्या करने वाले वही जान गवा और क्या करे वही बाल हत्या करे अच्छा इस पूरे संबंध में इस पूरे घटनाक्रम में आप लोग किसी बड़े अधिकारी से मिले आ, मिला गया लेकिन क्यों कुछ करत है कुछ नहीं करते नड़तालीस घंटे मेरे, 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 मेरा एफ आई आर हो गया है जब मेरी डेढ़ बाधी हम तो मेरा मेरे तो हो में तो, तो हम लोग पागल थे हमारी डेढ़ी जो परी थी उसके जब हुआ है तब मेरा ऐसा हुआ साहब आपके क्षेत्र के कोई भी नेता विधायक आए की कार्रवाई कर, होगी भरोसा वन्य। दिया हो। नेता हमारे यहाँ तो के विधायक है हमारे यहाँ के प्रधान आए हमारे यहाँ के और जो पांडे जी आए हैं महेश तिवारी जी आए हैं और राजा भैया राजा 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 रा भैया के प्रतिनिधि भी आए हैं तमाम प्रतिनिधियों नेताओं की बात करें वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं परिवार देख सकते हैं दुख की घड़ी में बैठा हुआ है के जो राहुल शुक्ला भी जी थे, जी। वो भी आए हैं उन्होंने कहा कि मैं जिला। जी। लेकिन मुझे अभी कोई। अंकित की बात करें अकेला लड़का था घर का बहने यहाँ पर मौजूद हैं आंखों में आंसू हैं उनसे भी जान लेते हैं कितना लगाव था अंकित से बहुत प्यार था बहुत एक आंखे का तारा था मेरा भाई छोटा हमारा भाई बहुत अच्छे था हमारा <laughs> भाई हमारे दिल का टुकड़े था हमें भाई नहीं चाहिए लेकिन उसको सजा चाहिए उसको फांसी चाहिए दीपक सिंह को तब मन को शांति मिलेगी हमारे हमारे छोटा भाई है क्या न्याय की गुहार लगा रही हैं चार बहन <laughs> जी हम लगा रहे हैं न्याय की <laughs> बोलिए क्या चाहती हैं उनका फांसी हो जाए उनके घर भर गिर जाए। खिलाफ कार्रवाई जाएक सिंह दीपक सिंह दीपक सिंह के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। आप हैं? आप छोटी थी अंकित की हाँ हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और उनसे छोटे थे अब कोई नहीं है आखिरी मुलाकात क्या रही थी भुद्वार को, को। यहाँ से गया था हलवा बनाए थे हम वही खा के गया था बस हमारी बात भी नहीं हुई बिस्पतवार को बैलेंस ख़त्म हो गया था फोन में फिर उसके बाद में शाम के टाइम वो बैलेंस भी डलवाया छः बजे फिर उसके बाद में हम बोले चाचा का फ़ोन लेके ला मैसेज करें कॉल नहीं उठा रहा है मैसेज तो देखेगा और वो जब उसके फ़ोन में बैलेंस रहता था तब वो ऑनलाइन हमेशा रहता था हमेशा नेट उसका ऑनलाइन रहता था फिर उसके बाद में हम मैसेज करें हाय भाई फ़ोन तो उठा लो हम लोग बहुत परेशान हैं फ़ोन उठा लो काहे परेशान कर रहे हो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया ऑनलाइन ही नहीं बताया फिर इतना कॉल किए दस बजे तक हम कॉल किए फिर उसके बाद में वहाँ ये लोग चले गए थे दोनों लोग मम्मी पापा मेरे फिर उसके बाद में जब कॉल आए वहाँ से मेरी चाची कॉल की चाचा के पास बोले कि क्या कहते हैं अंकित खत्म हो गया तब हम लोग यहाँ से निकले हैं फिर वहाँ जब हम गए तो वहाँ सब लोग मतलब वो पुलिस उब लोग सब लोग थे आखिरी तो, बार चेहरा देखा था अंकित का हाँ वही बुधवार को नहीं देखे थे दिखाए ही नहीं वहाँ कोई पूरा लिफाफे में पैक किए हुए थे कुछ भी नहीं दिखाए हम उनको गाली भी देने लगे कि हर जाओ एक बार देख लेने दो पर नहीं दिखाए वही लास्ट बार बुधवार को हम देखे थे बस घर से अंकित निकला था आखिरी बार चेहरा आपने तभी देखा था तमाम लोगों की आंखों में आंसू है फोन का क्या हुआ अंकित के आज तक फोन मेरे बच्चे का मिला नहीं जब से उन्होंने हेलो हमने कहा मिला, मिला। वहाँ की ना, पुलिस हमारी ना, नाकाम है ना। वो कह रही पांच मीटर में लेकिन वो लोकेशन से नहीं निकाल पाए मेरी मोबाइल बच्चे अभी तक फोन अभी नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला फो, आज तक नहीं मिला वो बल गया दो पता नहीं पूछो

कार्रवाई चाहते कि बुलडोजर के उनका घर गिराया जाए हमको न्याय मिलेगी अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे डीएम के बंगले पे। कार्रवाई नहीं होती है तो अंकित के तमाम परिवारजन का यही कहना है कि आत्महत्या कर लेंगे आत्मदाह कर लेंगे चाहे डीएम का बंगला हो चाहे नारायण अस्पताल हो जहाँ से अंकित जुड़ा हुआ था जहाँ नौकरी करता था और ये तमाम बिंदु तमाम शिकायतें तमाम आरोप डॉक्टर दीपक को ही लेकर उठाया जा रहा है जबकि उनके जो जानने वाले हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि डॉक्टर दीपक ऐसा कोई लेना देना नहीं था जब ये घटना घटी है तब डॉक्टर दीपक कहीं अन्य जगह मौजूद थे जहाँ की सी फुटेज है अब पुलिस इसमें ज, अपनी जाँच में क्या पाती है क्या डॉक्टर दीपक ही इसमें अपराधी पाए जाते हैं क्योंकि सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज हुई है वो डॉक्टर दीपक के ख़िलाफ़ 302 और 201 सौ एक कि धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन उसके बाद से डॉक्टर दीपक अभी तक फरार हैं पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और यही कार्रवाई की मांग परिवार अब तक कर रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो अन्यथा वह आत्महत्या करेंगे हमारी भी मांग यही है कि पुलिस इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कर दोषी को सलाखों के पीछे भेजे जेल भेजे ताकि अंकित को न्याय मिल सके परिवार को शांति मिल सके और अब जो घर अंकित के बिना सूना हो गया है आप देख सकते हैं आंखों में आंसू उनकी बातें उन्होंने क्या गुहार लगाई है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स मैं फरहान हाकिब खान मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद